सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के गेट प्रकरण में कोर्ट से यूनिवर्सिटी और आजम खान के पक्ष की अपील को खारिज होने के बाद गेट तोड़ने की कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूग्राहदी अधिनियम 1972 की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन आदेश का नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में आदेश के 30 दिन के अंदर कब्जा खाली करने को कहा गया है। दरअसल साल 2019 में एसडीएम सदर कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने का आदेश दिया था, साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। आरोप था कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट लोक निर्माण विभाग की सड़क पर कब्जा कर गेट बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया। वहीं मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष ने एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आजम खान की याचिका खारिज करते हुए जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। सोमवार को जिला जज की कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज करते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि रामपुर में स्थित अली जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत साल 2006 में आजम खान ने की थी, जो कई वर्ग किलोमीटर में बसी है। विश्वविद्यालय के भीतर का परिसर बेहद भव्य है, जहां बीए, बीकॉम से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल तक की पढ़ाई कराई जाती है।